हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप लोगों का बिल्कुल पता नहीं कि आप लोग कैसे होंगे। ठीक है, तो आज का जो ब्लॉग है वो हम जाएंगे जी पेशावर, अपने कॉलेज जहां पर मैंने 5 साल गुजारे, अपने ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन, जो खूबसूरत 5 साल थे वो गुजारे क्रेडिट कॉलेज वर्सिक में। तो आज हम वहाँ से क्लियरेंस करेंगे और पूरे कॉलेज में इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाएंगे वीडियो में कि भाई मैं हाउसेस किस तरह है, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक और सब कुछ, जो जितना भी मुझसे हो सकेगा इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कॉलेज और जितना भी अलाउड है वहाँ पर कैमरा, क्योंकि वो एक आर्मी एरिया है तो इसलिए ज़्यादा कैमरा वहाँ पर अलाउड नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जितना भी दिखा सकूँ तो अच्छा होगा। अभी हम मरदान में हैं तो मेरे साथ एक दोस्त मौजूद है जो अभी ड्राइविंग कर रहे हैं, जिसका नाम है एमल खान, 2-स्टार कमांडर ऑफ शहीद हाउस। ठीक है, तो अभी हम जा रहे हैं मूव टू। अभी इस तरह करते हैं कि पहले हम फ़ी जमा करेंगे कॉलेज की, जो ड्यूज थी वो हम अभी पे करेंगे बैंक में, एलाइड बैंक में, उसके बाद हम पेशावर की तरफ मूव करेंगे जी। तो फी सबमिट हो गई है, अभी हम वही जा रहे हैं मोटरवे की तरफ। और ये 2 कॉपियाँ हमें मिली है, एक कॉलेज कॉपी है, एक है क्रेडिट कॉपी। ठीक है, ये मैं आप लोगों के साथ ये मैं दिखा सकता हूँ। ठीक है, आप लोग भी देख सकते ये, और ये एक है भाई क्रेडिट कॉपी, ये भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, दिस इज, तो ये भी फी सबमिट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम मूव करेंगे पेशावर की तरफ, मोटरवे की तरफ जा रहे हैं। अभी पेशावर में मौजूद है, अभी हमने मोटरवे क्रॉस की है, मोटरवे से नीचे उतर के पेशावर में है। अभी इंतहाई ज़बरदस्त मौसम है, इंतहाई वेदर काफ़ी ज़बरदस्त है। पेशावर में बहुत गर्मी होती है लिटरली, लेकिन आज वेदर इंतहाई ही फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास ही कह सकते हैं। ठीक है, तो आगे जाएंगे एमन शाह, ड्राइविंग में बिजी बनना है काफ़ी, बस कुछ नहीं कहेंगे अभी। ठीक है, ओ माई गॉड एक्सीडेंट से बच गए, कसम खुदा की अभी एक्सीडेंट हो जाती, लेकिन अल्लाह ने खैर किया। लेकिन चलो कोई नहीं यार, अगर बिजी वीडियो में थोड़ा सा वो हो गया हो, सेव हो गया हो तो ठीक है, वरना आई डोंट नो के कुछ सही थे। चलो ठीक है, गाड़ी ठीक है, कोई मसला नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह बच गए। हार्ट बीट इंतहाई तेज है इस वक्त। ठीक है, ये है पेशावर बाईपास, बाईपास की हालत आप लोग देख सकते हैं, इंतहाई ज़बरदस्त रोड है ये, डायरेक्ट वर्सक रोड को कनेक्ट कर दिया हमें, और इंतहाई सेफ रोड है। और ये इमरान खान की हुकूमत में ये रोड बना है, इसकी तामीर हुई है, इंतहाई ही पुरसकून और ज़बरदस्त ड्राइविंग इस पर की जा सकती है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि इसकी क्या हाल है, और रात में यहाँ पर लाइटिंग की बहुत ही ज़बरदस्त इंतज़ाम है, बहुत ही आला किस्म की यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं ये रोड, तो इसको कहते हैं पेशावर बाईपास। ठीक है, क्रेडिट कॉलेज वर्सक मेस, ये मेस की तरफ हम जा रहे हैं, हवालदार से भी क्लियरेंस करेंगे और उसके बाद हाउस की तरफ जाएंगे। दिस इज़ नाउ द इंटरनल कंडीशन ऑफ द मेस, मेस की इंटरनल कंडीशन, यहाँ पर कल कुछ फंक्शन वगैरह हुआ था तो इसलिए इस साइड को खाली गया है, ये शेरशाह हाउस है। ठीक है, और ये सामने जो दिखाई दे रहा है, जो चेयर्स पड़े हैं और सारे टेबल्स, ये जिना हाउस है, उस साइड पर इकबाल हाउस है, और वहाँ कोने में हमारा हाउस है शहीद हाउस। तो ये पूरे मेस की कंडीशन है, आप लोग देख सकते हैं इतना बड़ा मेस। हाँ जी, क्लियरेंस हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, अभी जा रहे हैं हाउस की तरफ। और ये मस्जिद देखे आप लोग ज़रा, ये मस्जिद है कॉलेज का, और ये फर्स्ट जो है जिना हाउस है, उसके साथ ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला, ये जिमनेजियम है। ठीक है, द फर्स्ट जिना हाउस, उसके बाद ये शेरशाह हाउस,
और उसके बाद अपना शहीद हाउस। ये मैं से आप लोगों को दिखाया था पहले भी, ये एकेडमिक ब्लॉक से फर्स्ट सीनियर एकेडमिक ब्लॉक है, ये वाले सीनियर एकेडमिक ब्लॉक है एंड वो वाले जो है वो जूनियर एकेडमिक ब्लॉक। ठीक है, अभी जा रहे हैं हाउस की तरफ और सामान कलेक्ट करेंगे। क्लियरेंस हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, एमल खान को करेक्टर सर्टिफिकेट वेरी गुड मिला और मुझे, मैंने जितना सोचा था कि भाई मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलना था सेटिस्फैक्ट्री, लेकिन मुझे मिल गया गुड, तो ये बहुत अच्छा है मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और चलिए ये बातें तो होती रहेंगी। और बात ये फ्रंट रोड है जहाँ पर फालन होती थी कॉलेज में, जिस मेस के लिए भी फालन यहाँ पर होती थी और पीटी वगैरह या स्पोर्ट्स के लिए फर्स्ट फालन जो था वो यहाँ पर होता था। ये हमारा हाउस है शहीद हाउस, और ये आप लोग देख सकते हैं पीछे का जो व्यू है, हाउसेस के दरमियान जो एरिया है ये आप लोग देख सकते हैं। दिस इज़ अ मेस कंडीशन फ्रॉम द बैक साइड। ये बोर्ड जो लगा है जिस पर लिखा है भाई कैडेट्स हॉस्टल्स, ठीक है, ये देखिए ज़रा कैडेट हॉस्टल, ये सामने हमारा हाउस है, आप लोग ज़रा देखिए ये अपना हाउस है जहाँ पर हम लोगों ने 5 साल गुजारे। अब ये अंदर जाएंगे, अंदर से भी आप लोगों को दिखाएंगे। वो वाला जो है वो एक वाला हाउस है, फाइनली 4 हाउस है हमारे कॉलेज में, जिना हाउस, शेरशाह हाउस, अपना शहीद हाउस और एक वाला हाउस। तो अभी शहीद हाउस की तरफ जा रहे हैं। बाबा बाबा, अच्छा ये हाउस की एंट्रेंस है, ठीक है, ये सामने जो है ये ऑफिस है, एचएम का ऑफिस, हाउस मास्टर ऑफिस, और ये आप लोग देख सकते हैं, दिस इज़ द होल व्यू ऑफ दिस हाउस। ये है भाई अपना ये है स्टडी हॉल, मैंने लगा रहा टोल का सितारा लगा, दिस इज स्टडी हॉल आप लोग देख सकते हैं। अभी थोड़ा सा वेट, स्टडी हॉल यहाँ पर ये चेयर्स पड़ी है, कैडेट्स यहाँ पर स्टडी करते हैं और इसमें काफ़ी चेयर्स है, काफ़ी टेबल्स है, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन लेके गए कुछ काम के लिए, तो ये भी खाली है। अच्छा, ये नीचे वाला कॉरिडोर है जो है फर्स्ट फ्लोर, जहाँ पर जूनियर्स है, क्योंकि वो सामने वाला जो नीचे साइड है वहाँ पर 8th क्लास वाले, ये 9th वाला, और अभी जाएंगे ऊपर। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द सेकेंड फ्लोर, वहाँ पर जाते हैं। हाँ जी, एंजॉय करते रहिए, एंजॉय, दिस इज द हाउस व्यू फ्रॉम द अपर पोर्शन। ओके, या जहाँ पर हम खड़े होते थे पूरी रात, और जब नींद नहीं आती थी तो हम यहाँ पर स्टे करते थे, या इन द रेस्ट टाइम यहाँ से पूरा कॉलेज जो है वो नज़र आता है। ओके, यू कैन सी दिस इज द होल व्यू ऑफ दिस कॉलेज मास के। वो वहाँ पर राइडिंग क्लब भी है, वहाँ पर एक फुटबॉल ग्राउंड है, एक बास्केटबॉल वो है, तो वहाँ पर अभी नहीं लेके जा सकते, टाइम बहुत शॉर्ट है। अभी यहाँ पर जाएंगे, ये स्टोर है भाई जिसकी चाबी हमारा हमेशा मेरे साथ होती थी। ये रूम्स है भाई, ये रूम्स है। जी जी बाबा, हाँ हाँ, ये हमारे हाउस बाबा है, हाउस बाबा बहुत ही ज़बरदस्त इंसान है, और हमारे साथ 5 साल गुजारे इस बाबा ने इस हाउस में, तो बहुत अच्छा टाइम गुजरा है बाबा, अगर कोई गलती हो तो माफ़ कीजिए बहुत। हाँ बाबा, तो अभी वो करते हैं, नहीं बाबा ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं अगर कोई गलती हुई है अभी तक। ये हाउस की व्यू है, आप लोग देख सकते हैं, दिस इज़ द मोनूमेंट, शहदा मोनूमेंट, और ये जो आप सामने दिखाई दे रहा है, दिस वन, दिस इज़ द हाउस मास्टर रेजिडेंस। ओके, जहाँ पर हाउस मास्टर और हाउस ट्यूटर स्टे करते हैं विद फैमिली। तो ये पूरे हाउस का व्यू आप लोग देख सकते हैं, दिस इज़ द लॉन, जहाँ पर हम इन रेस्ट टाइम एंड स्पोर्ट्स टाइम, कभी कभार जब स्पोर्ट्स नहीं होती थी, ऑफ होती थी, तो हम यहाँ पर क्रिकेट या फुटबॉल वगैरह खेलते थे। अच्छा, तो अभी हम पैकिंग करेंगे, तकरीबन 10-15 मिनट ही लगेंगे, ठीक है, उसके बाद हम मूव करेंगे यूनिवर्सिटी टाउन, उसके बाद हम जाएंगे नमक मंडी, वहाँ पर रोटी खाएंगे, वो भी आप लोगों के साथ पूरा शेयर करेंगे, ठीक है। नाउ फाइनली अपनी टोपी भी मिल गई, इसको मैं पहन के मस्जिद के लिए जाता था, मस्जिद और नमाज के लिए जाया करते थे, ये मेरे पार्टनर थे मस्जिद के,
और अभी सामान अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पैक हो गया, अभी आप लोगों को दिखा सकते हैं। ये बाबा हमारे साथ पूरा सामान लेके जा रहे हैं, लेकिन ये बाबा आप अच्छा नहीं कर रहे, ये हम लेके जाएंगे, आप रेस्ट करें अभी, आप आपके रेस्ट का टाइम है, ठीक है। चलिए ठीक है, ये रूम देख ले भाई किस तरह हालत में रह गया। हाँ दरवाज़ा बंद कर दे बाबा, दरवाज़ा बंद कर दें। और हाँ जी अभी मूव करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, और वहाँ पर मिलेंगे। ये हमारे जांबाज बाबा है, जांबाज ताकतवर बाबा, ठीक है। फाइनली आप लोग हाउस देख लें, ये पूरा व्यू आप लोग देख लें कॉलेज का। जी बाबा, जी बाबा आदर, ये आप लोग देख लें सारा, ये हाउस है पूरा, ठीक है। और ये हाउस की व्यू आप लोग देख लें, ये दिस इज़ द लॉन, ओके। ये पहले भी आप लोगों को पूरा हाउस है, नीचे सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, ये पूरा देखिए आप लोगों ने। अभी हम जाएंगे नीचे, ठीक है। दिस इज़ द ऑफिस, ठीक है। ये ऑफिस है हाउस मास्टर का, जहाँ पर हमारी पेशी हर नाइट को होती थी। खाना हमने खा लिया, ठीक है, उसका कोई शॉट मैं नहीं ले सका, उसके लिए माजरत हुआ, क्योंकि इंतहाई भूख लगी थी। सुबह 8 बजे नाश्ता किया था और अभी बज रहे तकरीबन 5:30, ठीक है। तो अभी तक हमने कुछ नहीं खाया था, तो बस जाके नमक मंडी पर टूट पड़े, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रोटी थी वहाँ पर, ज़बरदस्त किस्म का गोश्त था। और नेक्स्ट टाइम अगर हम इंशाल्लाह आए पेशावर, तो वहाँ पर अगर जाना हुआ तो ज़रूर उसकी वीडियो में बनाऊँगा, और एक शॉर्ट सा क्लिप में ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं मरदान वापस, बहुत तक है, ठीक है, अब बात ज़्यादा नहीं कर सकते। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, अपना ख्याल रखें, खुश रहे, शादाबाद रहे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, न्यू चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। और अहमद साहब कुछ कहना चाहते हैं चैनल के बारे में, कि सब्सक्राइब करें चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ओके। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन, और इंशाल्लाह हम आएंगे पेशावर बहुत मरतबा, और बहुत ही जल्द आएंगे इंशाल्लाह। फिर अपना ख्याल रखें, खुश रहे, शादाबाद रहे, एंड एज ऑलवेज़ वस्सलाम।